बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है रिलीजियस कंडीशंस ऑफ अरब बिफोर इस्लाम। जिस तरह हम इसकी पहले हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और उसमें हम इकोनॉमिक कंडीशंस पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस पढ़ चुके हैं, और आज हमने इसकी पढ़नी है रिलीजियस कंडीशंस। तो रिलीजियस कंडीशंस में हम पढ़ेंगे द पीरियड इन द अरेबियन हिस्ट्री विच वॉज प्रसीडेड द बर्थ ऑफ इस्लाम इज़ नोन एज द ट्यून्स ऑफ इग्नोरेंस। इस्लाम से पहले जो अरब से अरब की हिस्ट्री को देखा जाए तो जो अरब के लोग थे उनको अगर जहालत की धुनें कहा जाए या जहालत का आला तरीन मुकाम अगर कहा जाए तो वो गलत ना होगा। जजिंग बाय द बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द पैजन अरब्स इट अपीयर्स दैट इट वाज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम। अगर उनके अकायद देखे जाएं या उनकी बुत परस्ती देखी जाए तो ये नाम उनके लिए बेहद मुनासिब है। द अरब्स वर द डेवोटीज ऑफ अ वैरायटी ऑफ रिलीजन्स विच कैन बी क्लासिफाइड विद द फॉलोइंग कैटेगरीज। अरब जो थे वो बहुत ज़्यादा मज़ाहिब के मानने वाले थे और उनके डिफरेंट रिलीजन थे जिसको कैटेगराइज किया गया है। ये आपको उनने कैटेगरीज में डिस्कस किया है नीचे। सबसे पहली कैटेगरी है आइडल वर्शिपर्स और पोलीथाइस्ट, बुत परस्त या एक से ज़्यादा खुदाओं को मानने वाले पोलीथाइस्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द अरब्स वर आइडलेटर्स। ज़्यादातर अरब जो थे वो बुत परस्त थे। दे वर्शिप्ड न्यूमरस आइडल्स एंड ईच ट्राइब हैड इट्स ओन आइडल और आइडल्स और फेटिशेस। वो जो थे अरब वो एक से ज़्यादा बुतों की बुत परस्ती करते थे, बुतों को पूजते थे, और हर कबीले का अपना एक बुत होता था या बुत होते थे एक कबीले के। तो इस तरह उन्होंने अपने अपने खुदा बनाए हुए थे, अपने अपने बुत बनाए हुए थे जिनको वो पूजते थे। दे हैड टर्न द काबा इन मक्का विच अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन हैड बीन बिल्ट बाई प्रॉफिट इब्राहिम and his son Ismail alayhi salam and was dedicated by them to the service of one god into a heathen pantheon housing 360 idol of stone and wood. ab unhone kya kiya, kaaba sharif jo ke makkah mein maujood tha aur hazrat ibrahim alayhi salam aur hazrat ismail alayhi salam ne usko banaya tha allah taala ki baat karne ke liye, unhone usko mandir mein tabdeel kar diya. pantheon ka matlab hota hai mandir, devtaon ka mandir. वहाँ पे उन्होंने 360 बुत रखे, बुत बना के स्टोन के, पत्थर के और लकड़ी के। तो उन्होंने मक्का को एक मंदिर की शक्ल दे दी और उन्होंने उधर अपनी मर्ज़ी से 360 बुत बना के रख दिए। उसके बाद हैं एथिस्ट। एथिस्ट क्या होते हैं? दिस ग्रुप वॉज कम्पोज ऑफ मटीरियलिस्ट एंड बिलीव दैट द वर्ल्ड हैज़ वॉज इटर्नल। ये लोग अल्लाह ताला पे यकीन नहीं रखते। इन लोगों का कहना होता है कि जी कोई भी खुदा नहीं है और ये दुनिया ही अबदी है, जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है ये हमेशा ऐसे होता रहेगा, ये यही ऐसा जो हम चल रहा है वही चलता रहेगा। उनके नज़दीक कोई भी जजा सजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई क़यामत का कॉन्सेप्ट नहीं है, रोज़े आखिर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये होते हैं एथिस्ट। उसके बाद हैं जिंदीक्स। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यूलिज्म इन नेचर। इनका अकीदा जो है वो फारसी लोगों से मिलता जुलता था। ड्यूलिज्म इन नेचर है, दोहरी नेचर रखते हैं, मतलब दे बिलीव दैट देयर वाज टू गॉड्स रिप्रेजेंटिंग द ट्विन फोर्सेस ऑफ गुड और एंड इवल और लाइट एंड डार्कनेस एंड बोथ वर लॉक्ड अप इन एन अनएंडिंग स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी। अब इनका अकीदा ये है कि दो तरह के खुदा हैं, एक अच्छाई का है और एक बुराई का है, या एक अंधेरे का है एक रोशनी का है, और ये दोनों जो हैं वो अपने अपने काम में फोकस रखते हैं। तो जी ये जिंदीक्स हैं। सिबाइंस। सिबाइंस क्या करते हैं? दे वर्शिप द स्टार्स, वो सितारों को पूजते हैं। ज्यूस, यहूदी। व्हेन द रोमन्स डिस्ट्रॉयड यरूशलम उसको भी कहते हैं उर्दू में, इन AD 70 एंड ड्रोव द ज्यूज एंड पैलेस्टाइन या फलस्तीन एंड सीरिया, मैनी ऑफ देम फाउंड न्यू होम इन हिजाज इन अरेबिया। जब रोमन ने यरूशलम को तबाह किया 70 ईस्वी में, उन्होंने जितने भी यहूदी थे फ़लस्तीन से और शाम से वो निकाल दिए, उनको निकाल दिया वहाँ से, और यहूदियों ने अपना नया ठिकाना बना लिया हिजाज में, अरब में। अंडर देयर इन्फ्लुएंस मैनी अरब्स आल्सो बिकेम कन्वर्ट टू जूडाइज्म। अब उनके असर से क्या हुआ, बहुत से अरब जो थे वो भी यहूदी बन गए। देयर स्ट्रॉन्ग सेंटर्स वर द टाउन्स ऑफ यसरब, खैबर, फदक एंड उमुल कुरा, और ये उनके जो थे सेंटर कहला जाते थे, यसरब, खैबर, फदक और उमुल कुरा। उसके बाद आते हैं क्रिश्चियंस।
The Romans had converted North Arabian tribe of Ghassan to Christianity. अब रोमन ने क्या किया, नॉर्थ अरेबियन जो कबीले थे, जो शुमाल में थे कबीले गसान के, उनको ईसाइयत में तब्दील कर दिया. सम क्लैंस ऑफ गसान हैड माइग्रेटेड टू एंड हैड सेटल्ड इन हिजाज. जो कुछ कबीले थे, क्लैंस होते हैं ट्राइब, कबीले गसान के, वो हिजरत कर गए और हिजाज में सेटल हो गए. इन द साउथ देयर वर मैनी क्रिश्चियंस इन यमन वेयर द क्रीड वॉज ओरिजिनली ब्रॉड बाई द इथियोपियन इन्वेडर्स. अब जो साउथ में थे, जनूब में, वो क्रिश्चियन जो थे वो यमन से आए थे और उनके कायद भी वो इथियोपियन हबशा से आए हुए लोगों से मिलते थे. देयर स्ट्रॉन्ग सेंटर वॉज द टाउन ऑफ नजरान. और इनका सेंटर क्या था, नजरान था. यहूदियों का सेंटर क्या था, यसरब, खैबर वगैरह, और क्रिश्चन्स का, जो ईसाइयों का था सेंटर, ये नजरान था. उसके बाद है मोनोथिस्ट. मोनोथिस्ट क्या होते हैं, जो एक खुदा पे यकीन रखते हैं. देयर वॉज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मोनोथिस्ट प्रेजेंट इन अरेबिया ऑन द ईव ऑफ द राइज ऑफ इस्लाम. इस्लाम से पहले अरब में बहुत कम लोग थे जो मोनोथिस्ट थे, जो एक खुदा पे यकीन रखते थे. इट्स मेंबर्स डिड नॉट वर्शिप आइडल्स. इनके जो लोग थे वो बुतों बुत परस्ती नहीं करते थे, उनको पूछते नहीं थे. एंड दे वर द फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट अब्राहम. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे ये. द मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द फ्यूचर प्रॉफिट एंड अली इब्ने अबी तालिब एंड द फ्यूचर कैलिफ एंड मोस्ट मेंबर्स ऑफ देयर क्लैन. अब ये लोग मेंबर कौन थे, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो कि हमारे नबी थे आने वाले फ्यूचर में उस वक्त, और हज़रत अली इब्ने तालिब, अली इब्ने अबी तालिब जो कि फ्यूचर के हमारे खलीफा थे. इन लोगों की फैमिली के मेंबर जो थे वो मोनोथेइस्ट थे, वो तौहीद परस्त थे. एंड मोस्ट मेंबर्स ऑफ देयर क्लैन, और इन्हीं के कबीले के कुछ लोग, द बनू हाशिम, बनू हाशिम के लोग बिलोंग टू दिस ग्रुप. ये सारे लोग जो थे वो मोनोथेइस्ट थे, यानी कि ये तौहीद पे यकीन रखते थे, अल्लाह ताला के वादे आने पे यकीन रखते थे और ये बुत परस्ती नहीं करते थे. तो जी, ये थी हमारी रिलीजियस कंडीशंस. इसमें हमने डिस्कस की डिफरेंट रिलीजन्स डिस्कस किए अरब्स के, और फिर हमने इसकी उनकी हमने थोड़ी सी डिटेल देखी कि किस तरह के वो मज़ाहब थे और उसके क्या क्या अकायद थे. तो आज हमारा ये टॉपिक कम्प्लीट हो गया.